तो दोस्तों अगर आप कोई भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज करते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे यूट्यूब को ओपन करते हैं, तो यूट्यूब को ओपन करने के दौरान आप यहाँ पे देखिए, आपको एक ऑप्शन यहाँ पे नया देखने मिलेगा प्ले समथिंग का। अब होता क्या है कि अगर इस ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉन्ग वीडियो आपको शॉर्ट फॉर्मेट में देखने मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 मिनट का वीडियो ये देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से स्क्रॉल कीजिएगा तो काफी सारे वीडियो मिलेंगे, अपने हिसाब से यहाँ पे स्क्रॉल करके वीडियो देख सकते हैं। जैसे आपको इंस्टाग्राम में देखने मिलता है, उस प्रकार से आप यहाँ पे स्क्रॉल करके लॉन्ग वीडियो को यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो वाला भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें शॉर्ट वीडियो को भी इस प्रकार से आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, और लॉन्ग वीडियो को देखना है तो आपको ये लॉन्ग वीडियो देखने मिलेगा, इस प्रकार से स्क्रॉल करके देख पाइएगा। अभी फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी प्रकार का भी एड यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये फीचर अगर आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, ये प्रॉब्लम आपको मिल रहा है और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, इस ऑप्शन को हटाना चाहते हैं, तो कैसे हटा सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये देखिए ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में जो यूट्यूब एप्लीकेशन देखने मिल रहा है, इस पर आपको टैप करके रखना है। और जैसे टैप कीजिएगा, टैप करने के बाद एप्स इन्फॉर्मेशन में जाना है, और एप्स इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर डाटा वाला, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद जो भी डाटा उसको आपको क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक करके क्लियर कर देना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पे यूट्यूब को ओपन कर लेना है। यूट्यूब को ओपन कीजिएगा तो ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर फिर भी ये ऑप्शन देखने को मिलता है तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या कंप्लीट करना वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑप्शन अब आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अगर ये ऑप्शन आपको फिर भी देखने को मिले तो सिंपली क्या करना है, फिर से टैप करना है, एप्स इंफॉर्मेशन में जाना है, और जो भी यूट्यूब आपने अपडेट किया है तो या तो आप नेक्स्ट अपडेट कर सकते हैं, या जो भी अपडेट किया उसको आपको इस प्रकार से अनइंस्टॉल अपडेट कर लेना है। और दोस्तों जैसे आप यहाँ पे अनइंस्टॉल अपडेट कर लीजिएगा, और उसके बाद जैसे यूट्यूब को ओपन कीजिएगा, तो ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखिएगा प्ले समथिंग वाला ऑप्शन कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, और ये फीचर आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं।